हेलो जी, हाय। सैंडिस किचन एंड वीलॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सैंडिस किचन से बाहर निकले हैं और आज हम आए हैं प्रतापगढ़ फार्म्स। प्रतापगढ़ फार्म्स जो है वो झज्जर में है, हरियाणा में, नियर रेलवे स्टेशन ग्वालिसन रोड। इसकी एड्रेस की सारी डिटेल्स विद मैप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 5:30 है। तो बट ये काफ़ी दूर पड़ता है। अगर आप दिल्ली NCR से आ रहे हैं, लाइक हम गाज़ियाबाद से आए थे, तो हम लोगों को लगभग 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। तो हम यहाँ अप्रॉक्स इस वक्त मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं, हम 10:30 तक पहुँच गए थे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, एंट्रेंस काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह करा सकते हैं। टिकट हमने ऑनलाइन नहीं बुक कराया है, आप चाहें तो टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, नहीं तो वहाँ जा के भी ले सकते हैं। जो टिकट का प्राइस है वो इसका 1140 रुपये है पर पर्सन का, अबाउट 10 ईयर्स, एंड 5 to 10 ईयर्स का 650 रुपीज़ है, और 5 ईयर्स के नीचे तक का कोई टिकट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपको एक टिकट पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। आप ज़्यादा लोग हैं तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स भी आता है इसमें, वो सब आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने टिकट्स ले लिए हैं, अब हम अंदर चलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो इसका एंट्रेंस है ये वैसा ही है जैसे यूजुअली सारे फार्म्स का होता है, जैसे सूरजगढ़ फार्म हो गया, लोहागढ़ फार्म हो गया, तो लगभग सबका एक ही पैटर्न है। यहाँ पे अंदर आप जब जाते हैं तो ढोल नगाड़े ये सब बज रहे होते हैं, आप लोग चाहें तो डांस वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे गांव की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं फ़ोटो सेशन के, लाइक लास्ट ईयर हम लोहागढ़ फार्म्स गए थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ चीज़ें जो हैं तो हर फार्म में आपको कॉमन ही दिखाई देगी, बस हाँ थोड़ा सा उनका तरीका अलग है रखने का। तो काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छा टाइम है वहाँ विज़िट करने का, क्योंकि इस वक्त ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग यहाँ विज़िट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 से 12 बजे तक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में आपको मक्खन, दही, अचार, चटनी और पूरी सब्जी है, साथ में जलेबी भी है। ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है इनका बैठने का, आप चाहें तो यहाँ अंदर भी अरेंजमेंट है या बाहर पीछे की तरफ भी अरेंजमेंट है, जो थोड़ा ओपन स्पेस है जहाँ पे धूप वगैरह भी आती है, तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट में लगे हमने पूरी सब्जी और अचार वगैरह लिया, जलेबी बहुत टेस्टी थी। और ये है इनका जो ओपन एरिया है, यहाँ पे अच्छी धूप आती है तो आप यहाँ बैठ के विंटर्स के टाइम में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और समर्स में आप अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फ़ैन्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और इतना गर्म नहीं है क्योंकि ये खेतों वगैरह में है तो एरिया ठंडा रहता है। और कठपुतली का शो यहाँ पे चलता है, जिसमें पीछे आंटी गाना गा रही है, काफ़ी अच्छा गाना आया है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पी बुलाया है। उसके बाद यहाँ पे ये अंकल जी जो हैं ये सबको पगड़ियाँ बांध रहे थे, और इसके बाद यहाँ पे आप अच्छा सा फोटो सेशन करा सकते हैं। तो हम लोग को तो यहीं पे आधा घंटा लग गया था, हमने यहाँ सबने खूब अच्छे से फोटो सेशन कराया। जो फ़ोटो सेशन है वो काफ़ी अच्छा था। आप बाद में, मैंने लास्ट में कुछ पिक्स डाली हैं आज की पूरी ट्रिप की, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम गए थे कुछ गेम्स खेलने। तो गेम्स में यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स हैं जो गांव के गेम्स होते हैं, लाइक गुल्ली डंडा हो गया, सॉरी नॉट गुल्ली डंडा, इसको हम क्या बोलते हैं, गुलेल हो गई, और आपका आर्करी हो गई, ये सारे यहाँ पे गेम हैं, कंचे वगैरह हैं, तो ये बच्चे इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ बाकी फार्म से तो ये सब चीज़ें कॉमन ही है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। कैमल राइड किया फिर हमने, कैमल राइड भी अच्छा था यहाँ का, ज़्यादा नहीं घुमाते हैं, थोड़ा ही है, बट आप इंजॉय कर सकते हैं इस पर भी। बाकी बच्चों के बैठने के लिए ट्रैक्टर वगैरह है, ये सब है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ लोहागढ़ फार्म से, तो क्योंकि मैं लास्ट ईयर वहाँ विज़िट करा था मैंने, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे थोड़े जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लोहागढ़ फार्म। बट अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट जो था वो लोहागढ़ फार्म में ज़्यादा ऑप्शन थे और वो टेस्टी भी ज़्यादा था। तो ये यहाँ का इंडोर गेम्स एरिया है जहाँ पे आपको एयर हॉकी, टीटी और ये सब आपको मिल जाएगा खेलने के लिए। तो यहाँ पे भी बच्चे
अगर बाहर आप गर्मी में आते हैं, धूप है, तो आप अंदर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिरर्स लगे हुए हैं फ़न के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा है ये भी इंजॉय करने के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे रेन डांस भी होता है और मड बाथ भी रहता है। जो अभी तो इतना वेदर नहीं था रेन डांस का, बट स्टिल सम पीपल वर डूइंग, तो आप चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए वही आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स घर से कैरी करने पड़ेंगे। तो यहाँ रेन डांस भी होता है। बाकी जो ये एरिया था, ये बच्चों को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए ही था ये एरिया। वैसे तो यहाँ काफ़ी कुछ था जो बच्चों के लिए था, बट जो ये एरिया था, यहाँ पे आपका बोल राइड था और आपका झूले थे कुछ, और जंप वगैरह करने के लिए काफ़ी ऑप्शन थे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए और यहाँ से उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। एक घंटा उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्पेंड किया, तो काफ़ी मज़ा आया उनको। ये देखो सात्विक तो इतना एक्साइटेड था कि मतलब उसे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। हाँ, हम लोग जब गए थे तो उस दिन मंडे था, तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट यहाँ पे स्कूल से पिकनिक पे काफ़ी बच्चे आते हैं, तो उनका काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। और बाकी वीकेंड पे तो रश रहेगा ही, बट वीकडेज में थोड़ा सा रश कम होता है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और अब अगर मैं यहाँ पे खाने की बात करूँ, तो यहाँ पे जो लंच का टाइम है वो आपका आफ्टरनून में 1 बजे से है, 1 या 12 बजे लंच शुरू हो जाता है वैसे तो, और फुल डे चलता रहता है खाना आपका। खाना तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लाइक सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका गांव का खाना होता है वो भी चलता रहता है, लाइक बाजरे की रोटी, चटनी, ये सब चीज़ें भी आपकी फुल डे यहाँ पे चलती रहती है। और शिकंजी, छाछ, ये सब आपको पूरा दिन मिलता है, पानी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम यहाँ के उतने साफ़ नहीं थे जितने साफ़ वॉशरूम्स लोहागढ़ के थे। वहाँ पे वॉशरूम कम थे, लेकिन यहाँ वॉशरूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट यहाँ के वॉशरूम थोड़े उतने क्लीन नहीं थे। बट हाँ, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली और बात करने में बहुत अच्छे थे सब लोग, काफ़ी हंसमुख स्टाफ था यहाँ का। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग फुल डे, आपका कब पूरा दिन निकल जाता है आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। और आप ग्रुप में आएंगे ना तो आपको और मज़ा आएगा, मतलब आप कुछ फैमिलीज़, जैसे आपकी 3-4 2-3 फैमिलीज़ हैं, आप मिलके प्लान करेंगे और सब लोग साथ में आएंगे, तो आप लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे यहाँ पे। और अभी होली आ रही है, तो होली में भी यहाँ पे कुछ ये लोग प्लान आउट करते हैं, लाइक होली मेला वगैरह भी लगता है आई थिंक यहाँ पे। और उसमें वैसे भी यहाँ रेन डांस और मड बाथ तो चलता ही रहता है, वो तो अपने आप में ही एक होली की तरह हो जाता है। तो अगर आप होली के आसपास आना चाह रहे हैं तो आप प्लान आउट कर सकते हैं होली सेलिब्रेशन के लिए, तो ये आपका काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसके नीचे ही यहाँ पे पैडल वाली बोट चलती है। तो एक दो ही बोट हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है बोटिंग के लिए अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सब कुछ ही है, ट्रैम्पोलिन है और बैडमिंटन आप खेल सकते हैं, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं यहाँ पे। फोटो सेशन के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे आपका ये सब भी होता है, लाइक चक्की है, बच्चे चक्की देख सकते हैं, और मक्खन निकालना हो गया, वहाँ का ड्रेस पहन के फ़ोटो सेशन करा सकते हैं, मेहंदी वगैरह लगवा सकते हैं, पॉटरी भी है यहाँ पे, तो बच्चे कुछ भी छोटा मोटा बना सकते हैं। एंड देन दे गाइस कैन टेक इट होम, तो बच्चों ने वहाँ थोड़ा बहुत कुछ बनाया था और वो इस बार वो घर भी लेकर आए, तो काफ़ी खुश थे। अगर आपको मेहंदी लगानी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मेहंदी आप सबसे बाद में लगवाएं, क्योंकि अगर आप पहले मेहंदी लगवा लेते हैं तो उसके बाद फिर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपके हैंड्स जो है वो बिजी हो जाते हैं, तो ये काम आप सबसे लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। ये तो ऐसे घुमा रहा है जैसे।
और मुझे लगता है बच्चों को कभी कभी ऐसी जगहों पे ज़रूर लेके आना चाहिए ताकि वो भी ये सब चीज़ें देखें क्या होता है। तो अब आफ्टरनून में हम आ गए हैं लंच के लिए। तो लंच में यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पनीर, रायता, राजमा था, मिक्स वेज था और कढ़ी थी और चाउमीन थी। तो अगेन अगर फूड वाइज खाना मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब ठीक ठीक था बट उतना टेस्टी नहीं था। अगर मैं कंपेयर करूँ लोहागढ़ से तो वहाँ का खाना तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, बाकी जो देसी खाना था यहाँ का, जैसे कि आपका मक्के की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी, चटनी, वो बहुत ही टेस्टी था। और चाय पकौड़े भी थे जो आपके चलते रहते हैं सारा दिन, आप कभी भी खा सकते हैं। और चाय बहुत टेस्टी थी यहाँ की, तो वो अच्छा था वो सब तो। बट खाने में अगर ठीक ठीक ही था, बस उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे यहाँ का खाना। और यहाँ पे मैजिक मैजिक शो भी होता है जो वहाँ पे भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। चिंटू का चड्डी गायब कर दो, चड्डी गायब कर देंगे। निकालो निकालो चिंटू, निकालो इसमें से, निकालो अंदर डाल के, हाथ डाल के निकालो, निकालो, पकड़ लो। ये सातवीं की चड्डी है, ये किसकी चड्डी है? ये सातवीं की चड्डी है? हाँ। नहीं, अच्छा डाल दो, वो देख लिया, वो देख लिया। दिस इज नॉट सातवीं की चड्डी, फिर से निकालो, चलो फिर से निकालो। बोलना नहीं दिया रही हमने, हाँ दे दो। अब हम नेक्स्ट मैजिक दिखाते हैं और नेक्स्ट सर जी को दिखाते हैं। सर आपको क्रिकेट खेलना आता है? महाराज भाई, नाउ दिस एरिया, ये जो एरिया था ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि जो एक्टिविटीज वगैरह होती है वो तो सारी जगह होती है, बट जो ये चीज़ें हैं लाइक स्लाइड्स हो गए, स्विंग्स हो गई, ये मुझे लोहागढ़ फार्म में कहीं नहीं दिखा था अगर मैं कंपेयर करूँ तो। तो छोटे बच्चों के लिए वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत कम थी, यहाँ पे ये एरिया बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। वो अच्छे से यहाँ पे स्पेंड टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लाइक आपके साथ डेढ़ दो साल, ढाई साल, तीन साल तक के बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है उसके लिए। तो अगर आप छोटे बच्चों के लिए साथ आ रहे हैं तो आप प्लान आउट कर सकते हैं, और झूला भी यहाँ पे है, बड़े भी झूल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा था ये, ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। और एक सबसे अच्छी और बात थी यहाँ पे जो इन्होंने लाइक ये रखे हुए हैं, लाइक रैबिट हो गए या आपके मुर्गा वगैरह हो गया, ये सब थोड़े बहुत बर्ड्स और एनिमल्स हैं यहाँ पे। और एनिमल्स में जैसे शीप है और आपका ये सब है, तो इनको बकरी है, तो इनको क्या है, बच्चे इनको इनको खाना खिला सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं, इनको गोदी में उठा सकते हैं, इनके साथ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। आप अभी आगे चल के देखेंगे कि बच्चों ने ये सब किया है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये ज़ू भी जाते हैं तो बच्चे नहीं देख पाते हैं बिकॉज़ वो पिंजरे में बंद होते हैं, तो बच्चों को ये सब चीज़ें जो है वो मिस आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी थी, उनको रियल एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है इन सब चीज़ों का। ये बड़ी भेड़ है पागल, इसको पीछे करना। अच्छा, इसको पीछे बैठाओ, इसको थोड़ा सा, डैडी है इसका, मम्मी कहीं घूमने। अरे टोपी बना दी तनिष्का ने, ये सोनू है, मोनू कहाँ है, मोनू है, मोनू भी है ऐसे। अभी इसको वो फील आ रहा है, वो जो वो देखती है ना वहाँ टीवी में डियाना रोमा और वो सब, वो खिलाते हैं इसको, ये सब चाहिए। जू में ऐसे होना चाहिए वैसे, वहाँ तो कैट करके रखते हैं बस। नहीं, 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 हो गया बस। चलो अब ऑस्ट्रिच देखते हैं, आ जाओ ऑस्ट्रिच है, वो देखो तो हाथी डाले जा रहा है अंदर, देखना कैसे कूद पड़े सारे। अरे वो दे रहे अंकल, देखना हमें जिसको देखना, ये पूरा घुस जाता है अंदर ही। बाकी ट्रैक्टर राइड है यहाँ पे, बुलक कार्ट राइड है यहाँ पे, आप वो सब भी ले सकते हैं।
बट हाँ ये जो इनकी राइड थी उतनी बम्पी नहीं थी, ठीक ठीक थी, तो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं इसको। और ये आता है इनका एक्टिविटी एरिया, ये इनका लास्ट एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप ये बड़े बच्चों के लिए कह सकते हो, यहाँ आप ठीक है ऐसा नहीं है, 4-5 ईयर के बच्चे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो यहीं पे थी। सात्विक, सात्विक को देखो, वेरी गुड, गो, वेरी गुड, ये न्यू वाल बॉल है नानू, चलो चलो, पहुंच गया, वेरी गुड, जाना हो सारा, क्या कोई नहीं, क्या रहा तारे। यहाँ पे आपका सब कुछ है, लाइक कमांडो नेट है, टायर रिवर्स वॉल है, स्विंगिंग बर्मा ब्रिज है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो जितना आप कर सकें, ये देखने में आसान लगता है लेकिन आसान होता नहीं है, काफ़ी मुश्किल है इसे करना। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड लेकिन जो 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं वो तो ऐसे भाग भाग के कर लेते हैं जैसे उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। ये तो अच्छा है उन लोगों के लिए। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। इनफेक्ट सात्विक ने भी ट्राई किया उसने तो कर ही लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कर लेगा बिकॉज अभी वो 3 साल का भी होने ही वाला है, कुछ दिनों में, हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान ही इसलिए किया था बिकॉज सात्विक जो है वो 3 साल का हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूम के आए। तो इसलिए हम बच्चों को यहाँ पे लेकर आए कि उनका एक डे आउट भी हो जाएगा और सब बच्चे अच्छे से इन्जॉय कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अच्छी जगह है ये जाने के लिए। खाना उतना खाना ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ उतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठीक था। और बाकी करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलता कि आप सोचो कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ आराम कर लो और फिर कुछ कर लोगे, नहीं इतना टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए, आपका पूरा दिन कम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक चीज़ को 2-3 बार कर लो तो उतना टाइम भी नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मैं लोहागढ़ फार्म से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे उतना कुछ करने के लिए नहीं है, तो आपको बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है रेस्ट करने के लिए, यहाँ सब करने के लिए। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, वहाँ पे आपका हॉन्टेड हाउस था, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो अभी यहाँ पे 5 बज चुके हैं तो हमने यहाँ पे लास्ट में कुछ बाजरे की रोटी और ये सब लिया था और साथ में चाय पकौड़े खाए। इस टाइम तक बच्चों की बैटरी जो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, वैसे भी 5:30 जो है वो बंद होने का टाइम था, तो हम लोग लगभग 5:15 बजे वहाँ से निकल गए थे। तो लास्ट में कुछ पिक्चर्स हैं जो सब मेमोरीज़ हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और आप ज़रूर प्लान कीजिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं ये बेस्ट टाइम है वहाँ पे जाने के लिए। और बाकी तो मैं क्या ही कहूँ, आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। और जैसे आपने लोहागढ़ वाली वीडियो को इतना प्यार दिया तो प्लीज़ इसे भी सब लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इन्जॉय गाइज़।